बलरामपुर जिले में एनएच 343 का चौड़ीकरण होने वाला है, लेकिन इससे जिले का सबसे बड़ा शहर राजपुर इसकी भेंट चढ़ जाएगा। शहर प्रभावित नहीं हो इसके लिए लोगों ने सरकार से बाईपास बनाने की मांग करते हुए कलेक्टर से मिलकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नाम ज्ञापन सौंपा। इस सड़क चौड़ीकरण के लिए सर्वे का काम लगभग पूरा हो गया है और अब उसका डीपीआर तैयार किया जा रहा है। डीपीआर बनने के बाद काम शुरू कर दिया जाएगा। सड़क के दोनों ओर खंभा मिलाकर 104 फीट चौड़ीकरण करना है और ऐसे में पूरा शहर मलबे में तब्दील हो जाएगा, इसलिए लोगों ने जल्द कार्रवाई की मांग की है। ग्रामवासियों ने कलेक्टर से ये भी मांग की है कि एनएच के अधिकारी एक बार लोगों के साथ बैठकर चर्चा भी करें और सर्वसम्मति से लोगों के हित में निर्माण कार्य शुरू किया जाए। कलेक्टर ने जल्द ही मीटिंग कराने का आश्वासन दिया है। ना भयभीत होने की जरूरत है, ना आशंकित होने की जरूरत है। एनएच के अधिकारियों से बात हुई है और अभी डीपीआर निर्माण का काम चल रहा है। एनएच के अधिकारी जल्दी आएंगे और राजपुर के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ शहरी हैं, निवासी हैं, उनके साथ बैठेंगे और बैठ करके जिस रास्ते की आवश्यकता है, जहाँ से अलाइनमेंट होगा उसको सही करके और तब डीपीआर करेंगे। एनएच बनने वाला है, उसमें हम लोग राजपुर वाले भी फंस रहे हैं। राजपुर से ज्यादा बड़ा खुशी की बात है कि एनएच बनना चाहिए, लेकिन एनएच बनने के क्रम में राजपुर हमारा बिल्कुल सटा सटा है, कुछ लगभग सटा है, ज्यादा तो सटा नहीं है, पूरा उजड़ने के क्रम में आ गया। जैसा इन लोगों का सुन रखा है कितना मीटर लेंगे, इतना मीटर लेंगे इधर उधर, उसमें हम लोग अपना निवेदन करने आए थे कि भाई उसमें बीच का रास्ता निकाल। उमरिया जिले में